हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी बाजरे की रोटी कैसे बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बाजरे का आटा जैसे कि मड़ा जाता है या मला जाता है, हमारे यहाँ बोलते हैं आटा मार लो, कहीं कहीं बोलते हैं आटा मलने के मल लिया जाए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो चलिए आटा मलते हैं, हम जो आपको दिखाते हैं किस तरीके से मड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमने तसले पे यहाँ पे आटा निकाल लिया है और अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा मलना स्टार्ट करेंगे। सो अब इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हमको इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। एक साथ आपको पानी नहीं डालना है क्योंकि एक साथ में नहीं मर पाएगा। आप थोड़ा थोड़ा मले इसको, इस तरीके से ये अच्छा मर जाएगा आटा। तो इस तरीके से आप आटा मले, देखें ऐसे धीरे धीरे से मिक्स करते जाएं, अच्छे से बिल्कुल मलना है इसको। पानी डाल के थोड़ा सा फिर मिक्स करें, धीमे धीमे करके पूरा आटा ऐसे ही मलना है। तो देख सकते हैं आप, ये आटा पूरा मर चुका है। अब इसको इसी तरीके से थोड़ा सा आप मिक्स करें, जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतनी अच्छी रोटी आपकी बनेगी। अब ये देख सकते हैं आटा हमारा मर चुका है, अब हम इसे रोटियां बना सकते हैं। इस तरीके से ही आपको मरना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको लोई बनानी है, उसके बाद फिर हाथ से इस तरीके से बनाना है, थप थप करके इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके। इस तरीके से रोटी बनानी है इसको, हुलसा और बेलन में वो नहीं करनी है, बेलनी नहीं है। और इस तरीके से आपको डाल देनी है तवे में। देख सकते हैं, अगर बड़ी नहीं बना सकते हैं तो आप इतना भी बनाएंगे तब भी चलेगा, हम तो इतनी ही बनाएंगे क्योंकि बड़ी हमसे बनती नहीं है। और ये भी खाने में उतना ही टेस्टी लगेंगी जितना आपको बड़ी रोटियां लगती हैं, इस तरीके से। और ये रोटी हमारी एक साइड हो चुकी है, कड़छी की मदद से आप इसको इस तरीके से पलट सकते हैं। और ये रोटी हमारी बैक साइड भी इस तरीके से सिक चुकी है और अब हम इसको इस तरीके से सेक देंगे। चूल्हे बना रहे हैं तो इस तरीके से सेक रहे हैं। आप गैस में बनाएंगे तो गैस में सिक जाती है बट इतनी अच्छे से नहीं सिक पाती है। इसको आंच में अच्छे से रख दें। तो अब ये हमारी रोटी सिक चुकी है, ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको अच्छा, ये देखें बाजरे की रोटी हमारी तैयार है। अब आप इसको खा सकते हैं चने के साथ, के साथ मक्के के साग के साथ, मक्के के साग में सरसों के साग। तो हमारी रोटी बन चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बाजरे की रोटी बन चुकी है। आप इसको चने के साथ खा सकते हैं, मक्के के रोटी के साथ खा सकते हैं, गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ। हम तो बाजरे की रोटी के साथ खाने वाले हैं। तो ये बन चुके हैं हमारे बाजरे की रोटी, आप लोग भी जरूर ट्राई करें, बड़ा मजा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं।